हाय गाइस, ये है एक किसान टॉर्च। इसे किसान टॉर्च या एलईडी टॉर्च या बैटरी बोल सकते हैं। यह जैसे कि इसके ऊपर लिखा गया है कि एक जेट कंपनी की टॉर्च है, और इसमें दिखाया गया है कि यह ड्राई वैक्यूम वाली टॉर्च है। और यह टॉर्च जैसा कि इसमें कुछ कंडीशन दी गई है, टॉर्च को कभी डिस्चार्ज न करें, मतलब इसको कभी भी आप एक साथ कभी डिस्चार्ज ना होने दें, और डिस्चार्ज होने के बाद इसे चार्ज ज़रूर कर लें, वरना इसकी बैटरी ख़त्म हो सकती है। टॉर्च में रोशनी की कम हो जाने पर इसे चार्ज करना चाहिए, इसका दूसरा कंडीशन दिया गया है। और इसका तीसरा कंडीशन है कि डिस्चार्ज टॉर्च को 8 घंटे से अधिक चार्ज न करें, जैसा कि इसे 8 घंटे से ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा करते हैं तो इसका वैक्यूम ख़राब हो सकता है। प्रत्येक 15 दिनों में टॉर्च संभालें, अन्यथा चार्ज करें। 15 दिन बाद इसे आप बार बार चार्ज कर दीजिए, क्योंकि यह पड़ी पड़ी ख़त्म हो जाते हैं। टॉर्च को फेज लाइन में चार्ज न करें, दोनों फेज में कभी भी चार्ज नहीं करना चाहिए। इसकी बैटरी की हम आपको और भी जानकारी देते हैं। इसमें कुछ मेन चीज़ें होती हैं, जैसा कि यह इसकी चार्जिंग केबल होती हैं, और जो कि अंदर से एलिमिटर से जुड़ी हुई होती हैं। और गाइस, इसमें सामने की तरफ से एलईडी बल्ब होता है, और एक साइड में एलईडी बल्ब होता है, यह दोनों होते हैं। और साथ में इसमें पीछे की तरह एक वैक्यूम होता है, जो कि हम आपको दिखाते हैं। गाइस, जैसा कि इस एलईडी टॉर्च का उपयोग किसान अपनी खेती में यूज़ करता है, इसलिए इसे किसान टॉर्च बोला जाता है। और इस किसान टॉर्च का उपयोग आप और भी जगह कर सकते हैं, जैसा कि जहां भी आपको रोशनी की ज़रूरत होती है, वहां आप इस किसान टॉर्च का यूज़ कर सकते हैं। गाइस, यह टॉर्च एक लंबी सर्विस देती हैं, इसीलिए इस टॉर्च का हम आपको रिव्यू बता रहे हैं। यह टॉर्च अच्छी और क्वालिटेबल टॉर्च होती हैं। गाइस, जैसा कि टॉर्च तो बहुत से आती हैं, चाइना टॉर्च और बहुत सी टॉर्च होती हैं, बट इस टॉर्च में लंबी सर्विस देने की क्षमता रहती है। जैसा कि इसमें पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, एक ड्राई वैक्यूम है, और यह वैक्यूम कुछ इस प्रकार दिखता है, और यह दोनों इसके वायर कनेक्टेड हैं, जैसा कि इसमें 2 वायर हैं और दोनों इससे कनेक्टेड हैं। और सामने की तरफ से हम इससे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ ज़्यादा पार्ट्स नहीं होते हैं। बैटरी में लगभग मेन पार्ट्स जो हम आपको दिखा रहे हैं यही होते हैं। और सामने इसमें वैक्यूम होता है, एलिमीटर होता है जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक बटन होता है, और एक एलईडी बल्ब होता है जो कि अपने को दिखाता है कि बैटरी चार्ज हो रही है या बंद है। और गाइस, साथ में इसमें दोनों तरफ लाइट्स होती हैं और एक बटन होता है। इन सभी चीज़ों पर यह डिपेंड होती हैं, और इससे यह बैटरी पूरी ऑन ऑफ हो जाती है। गाइस, जैसा कि आप देख ही चुके हैं, बैटरी के अंदर यह पूरा सिस्टम होता है, और इसी सिस्टम पर ये बैटरी वर्क करती हैं। और गाइस, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और आप एलईडी टॉर्च से जुड़ी और भी जानकारियाँ पा सकें। गाइस, जैसा कि यह टॉर्च बड़ी होने के साथ साथ अच्छी लंबी सर्विस भी देती हैं, और इसका यह लंबे समय तक चलने की ताकत रखते हैं। गाइस, जैसा कि इसकी सर्विस भी बहुत है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम है, इसीलिए यह टॉर्च सस्ती और अच्छी होती हैं। गाइस, और आप अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो और भी मिल सके। और आपका लाइक और सब्सक्राइब भी हमारे लिए मोटिवेशन है, और इसी के आधार पर हम वीडियो बनाते हैं।